आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट वेब सीरीज़ है क्योंकि अभी तक कोई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सीरीज़ बनी नहीं है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ काफ़ी एंटरटेनिंग वे में डील किए हैं, तो मुझे लगता है ऐसी सीरीज़ बननी चाहिए. मेरा तो पहला काम है, मेरी पहली स्क्रीनिंग है लाइफ की, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड यस, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू शूट इट ऑल्सो, लाइक हाउ द एंटायर ट्रीटमेंट वॉज. एंड we had a lot of fun and we also discovered a lot of new things while we were going through the script. So yeah, looking forward to it. भाई देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है, हम इस वेब सीरीज़ का पार्ट भी हैं. आई एम डूइंग रोल इन दिस. और पूरी दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है, हम सब उसको फील कर रहे हैं. एंड इट्स वेरी गुड कि हमारी कंट्री से, हमारी इंडस्ट्री से इतना अच्छा एक एफर्ट किया गया है. सो आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. एक तो साईफाई स्पेस में और बहुत अच्छे एक्टर्स है, तो मज़ा आएगा देखने में. एंड इट विल हैव अ वेरी नाइस मैसेज. It was brilliant, yeah. We went and shot in Baitarna and it's a very beautiful place. Pratik mere bahut acche dost hai. Most of us are very dear friends who worked on this. So bahut sare acche dost agar ek bahut achi wajah ke liye kaam kare to waise hi maza aata hai. Thank you, all the best. छोटी पातला नहीं है. लुक एट द सेंटर. आप पूछेंगे क्वेश्चन. अच्छा अच्छा अलग शो है एंड आई थिंक सब इन्जॉय करेंगे, सबके लिए है. इट्स अ फैमिली ड्रामा, इसमें ह्यूमर है, थ्रिल है, सो आई थिंक दिस समथिंग फॉर एवरीवन. सो फार सो गुड. ओके, फर्स्ट टाइम होगा कि एक वेब सीरीज एनवायरमेंटल बेस होगा, साइंस फिक्शन होगा, तो कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना है? इट्स अ फर्स्ट टाइम. आई मीन मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहती और रिवील नहीं करना चाहती, बट डेफिनेटली इट हैज़ अ डिफरेंट थ्रिल अपील ऑफ इट्स ओन. बट मोस्टली ये इन्वायरमेंट के बारे में है एंड हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं. सो आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट, इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज एज वेल. सो आई जस्ट होप दैट एज मैनी पीपल एज पॉसिबल वॉच द शो. सो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. आई थिंक इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है दैट वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. अ लॉट ऑफ न्यू एक्टर्स आर गेटिंग एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड इवन फॉर समबडी लाइक मी, आई एम गेटिंग टू वर्क इन शोज एंड गेटिंग टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स. सो आई थिंक द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट फॉर इंडिया फॉर श्योर. Yes, I'm doing two shows with Balaji Alt. I'm part of The Verdict and I'm also part of Code M. Okay, and lastly, any message you'd like to give your audience? I hope, you know, aap jaake dekhenge, aap Sony Live download karenge and I hope aapko acha lagega. So please send your feedback, tag me on social media, watch the show and yeah, I hope you enjoy it. Thank you. Thank you.
क्या पूछना है, बोला है बाइट देनी है या ना? अपने में ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है एंड माय फ्रेंड प्रतीक इज प्रोड्यूसिंग इट, हैंडी मैन के नाम से उनका प्रोडक्शन हाउस है, सो आई एम हियर फॉर हिम एंड एज वेल एज फॉर चंदन सान्याल, क्योंकि मेरा नाम भी चंदन है और चंदन इज़ अ डियर फ्रेंड, तो एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है और आइडिया बड़ा अच्छा है, तो वाई नॉट, मतलब देख कर उसके बाद मैं और बताऊँगा एंड आई रियली होप इट विल बी अ ब्यूटिफुल वेब सीरीज। बिल्कुल देखा है, बहुत अच्छा है, तभी तो आया हूँ, नहीं तो मुंबई शहर में ट्रेलर देखकर ही डिसाइड किया जाता है कि देखने जाना है कि नहीं, सो आई लव द ट्रेलर एंड आई एम हियर टू वॉच इट, सो माय बेस्ट विशेस टू द एंटायर टीम, थैंक यू। करेक्ट। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, बहुत सारे रीजन्स हैं उसके। एक तो आपने जैसे बोला कि जो मैसेज है इसका, हवा बदलो कैंपेन, वो इतना इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए। कोई भी इंसान है, जानवर है, उसको सांस लेने के लिए हवा चाहिए, साफ़ हवा चाहिए। और हमारी हवा, हम देख रहे हैं, हमारे पास रिपोर्ट आती है, सोर्स न्यूज़ में आता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा ख़राब हवा है दुनिया में, और वो रिपोर्ट पढ़ के भूल जाते हैं। बट आई थिंक जो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ का रिमाइंडर हैं कि ये सिर्फ रिपोर्ट और नंबर नहीं है, ये एक्चुअली काफ़ी सीरियस इशूज़ हैं और ये हमारे एज ह्यूमन बींग्स एंड एज एंड नेचर, वो हमारे एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन करती हैं ये चीज़ें। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग। ऑफकोर्स जो शो से रिलेटेड लोग हैं, दे आर ऑल्सो वेरी डियर टू मी, प्रतीक हु इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड शो रनर्स, एंड चंदन हु इज़ द फेस ऑफ द शो, दे आर वेरी क्लोज टू मी, आई वर्क विद देम, सो दैट इज़ अगेन वन मोर रीज़न। ये जो हवा बदलो कैंपेन है उसमें खुद मैं एक छोटा सा पार्ट रह चुका हूँ, आई डन अ म्यूजिक वीडियो जो सेम कैंपेन के लिए था, तो आई थिंक बहुत सारे रीजंस हैं मेरे पास एक्साइटेड रहने के लिए। आई थिंक काफ़ी लोग ये मान रहे हैं कि इस वेब सीरीज़ है तो अडल्ट कॉन्टेंट होगा, ऐसा नहीं है, हर तरह की चीज़ें बन रही हैं। हाँ, वो जो चीज़ें हैं वो भी बन रही हैं काफ़ी, बट उन चीज़ों का है कि जो उस तरह की चीज़ है वो आपको बहुत शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है कि आपने देखा और 5 मिनट जो भी आपको मज़ा आया वो आपने इन्जॉय किया, बट ये जो जिस तरह की चीज़ें हैं, जिस तरह का कॉन्टेंट है, ये शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए नहीं है, ये इनफैक्ट ये लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस के लिए है, उसको उस चीज़ को सपोर्ट करता है, क्योंकि हवा, आप एडल्ट कॉन्टेंट नहीं देखेंगे तो आपको कुछ होगा नहीं, बट अगर आप हवा नहीं होगी आपके पास सांस लेने के लिए तो काफ़ी कुछ होगा, तो आप ही नहीं होंगे शायद। अभी सब सीक्रेट है, अभी मैं दूसरे का शो देखने आया हूँ एंड आई टॉक अबाउट देम एंड आई सपोर्ट देम एंड दे आर गुड फ्रेंड्स, सो आई विल वॉच हवा बदले हंसू एंड आई विल टॉक अबाउट हवा बदले हंसू एंड वी शुड ऑल टॉक अबाउट हवा बदले हंसू। थैंक यू। सबसे अच्छा है, टिकट है कम वाला नंबर पर, हाँ इनको भी जल्दी शूट या ओके। आज फाइनली सब लोग ओ हाय देखने वाले हैं, तो कितने
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा. हम तीनों, हम पांचों, हम दसों, हम 80 का हमारा क्रू था. इसमें बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हमारा फैमिली बन गया हवा बदले उसका. आई थिंक कम समय में ज़्यादा बातें कर जाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज कॉन्टेंट क्रिएटर्स. हम ये नहीं चाहते कि हम बस बोलते रहें, एपिसोड बढ़ते रहें और कहानी वहीं रुकी हुई है. तो हमारे पास रिसर्च बहुत थी, लेकिन हमें पता है कि ऑडियंस के पास वक्त इतना नहीं. तो हमने चाहा कि इसीलिए यह 40 मिनट का है. जितने में आप एक एपिसोड देखते हो बाकी सीरीज़ का, इतने में हमारा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा, सीज़न 1 एटलीस्ट. आई होप सीरीज़ ख़त्म ना हो. हम आगे बढ़े हैं इसको लेकर, बिकॉज़ ये कहानी अभी तो शुरू हुई है. अभी अगर आप चेन्नई देखोगे, आयरलैंड ने अभी डिफॉरेस्टेशन बैन कर दिया है, मिसिसिपी फ्लड अभी भी रुका नहीं है, और जो हसू का एक डायलॉग भी है कि पहले 10 सालों में शायद एक गात साइक्लोन फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिलता था, आजकल एक साल में 10 मिलते हैं. सो ऑब्वियसली कुछ चेंज हुआ है ना, ऑब्वियसली कुछ बदला है. तो हमें हमारी जितनी औकात है वो हम चाह रहे हैं कि हम एंटरटेनमेंट और कॉन्टेंट के ज़रिए लोगों की रुचि भी बदलें. ऐसा भी ना हो कि लोग एक ही तरह का एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते रहें, फिर हमारा काम हम अच्छे से नहीं कर रहे. बिकॉज यहाँ दो चीज़ें हैं ना हमारे पास, कि एक तो एंटरटेनमेंट है और हमारा मुद्दा है जी. तो हम किसी को भी एक के ऊपर नहीं रख सकते, हमें एंटरटेनमेंट भी करना पड़ेगा ताकि ऑडियंस हमसे जुड़ी रहे और हमारा मुद्दे की बात भी उन तक पहुँचे, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो इसका एक बैलेंस है मेंटेन किया, तो ज़रूर हम लोग बहुत उस पर मतलब वी आर वेरी एक्साइटेड टू नो कि ऑडियंस क्या बोलती है. एक्चुअली बटरफ्लाइज है नहीं, क्योंकि मेरे लिए बटरफ्लाइज कम हो गए, एनवायरनमेंट में बटरफ्लाइज ज़्यादा उड़ रहे हैं. लेकिन द आइडिया इज़ दैट ये सीरीज़ करने का एकमात्र एजेंडा ये था कि क्योंकि ये मेरी पहली सीरीज़ थी, मैं कुछ हटके करना चाहता था. क्योंकि आप पर्यावरण की जो हालत है, जो दुनिया में हो रहा है, कल लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि चेन्नई में पानी कम हो गया है, चेन्नई में पानी की लड़ाई हो रही है. 2040 तक हमारे देश में इतने बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे पानी, पीने को पानी नहीं होगा. तो उस ज़माने में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, मुझे लगा कि इस तरह का एक शो करना बहुत ज़रूरी था. तो इसलिए मैंने किया, और मुझे लगता है कि ठीक ठाक अच्छा बना है और जनता इंजॉय करेगी. नहीं नहीं बिल्कुल एंटरटेनमेंट तो है, क्योंकि एक हम लोग अभिनेता हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग अच्छा अभिनय करें, कैमरा अच्छा हो, म्यूज़िक, हर तरह की चीज़, स्क्रिप्ट राइटिंग, वो सब तो अपने मुद्दे पे एकदम कायम है. लेकिन उसके अलावा हम लोग एक छोटा सा मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, छोटा सा कदम है कि अपने आसपास के पर्यावरण की अब चिंता करना शुरू करें. थैंक यू. अरे नमस्कार शर्मा जी, आप कैसे? हाँ, मैं आपसे उस दिन अलग तरीके से मिला था. हाँ जी, मुझे क्या लगता है फिल्म पक्की होगी आपकी. हाँ फिल्म पक्की. मैंने बोला था ब्रेक करके आएंगे जी. बता दीजिए, ब्रेक करिए. नहीं नहीं अभी अभी तो नहीं, अभी साइन ऑन द डॉटेड लाइन. नहीं नहीं अभी हिमाकत हो जाएगी, हिमाकत. अभी हम हसू की बात करें तो अच्छा है ना शर्मा जी. इच्छा तो है आपको, लगता है? क्योंकि मेरी दिल्ली इच्छा है और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं एक दिन अकादमी अवार्ड जीतूँ. ये जी तो हाँ बिल्कुल, ये मेरी इच्छा है और आपने मेरी मुंह की बात छीन ली. तो हाँ आपको मैं ऑस्कर रेड कार्पेट पे भी मिलूंगा और आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे, ये बात तय है. लेकिन आप, मैं सबको न्योता देना चाहूँगा, आप बिल्कुल देखें और बताएं कि आपको कैसा लगा. जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.